गुड इवनिंग गाइस। सो आपकी स्पेशल डिमांड पे आज मैं आपको डेविल की जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी, उसको बताऊंगा कि किस तरीके से इसने स्ट्रगल किया, कैसे ये बार बार मर के भी बच गया। तो जब ये छोटा था तो उस टाइम तो सब कुछ सही था, 2 से 3 महीने। बट उसके बाद ना, ये जब 3 से 4 महीने का हुआ तो इसको एक बैड हैबिट लग गई कि ये जो भी व्हीकल्स आते हैं घर के पीछे, रोड है उस पर से निकलते हैं, उनके पीछे भागता था। तो एक दिन क्या सीन हुआ, ये बाहर निकल गया, गेट ओपन था, तो बाहर जाके ना ये गाड़ी के पीछे भागा तो गाड़ी के नीचे आ गया, जिसके कारण इसकी तीनों टांगे जो है वो फ्रैक्चर्ड हो गई और सर के अंदर भी इसको चोट आई। अभी जिस तरीके से ये भागता है तो लगता नहीं है कि इसकी चारों टांगे टूट के जुड़ी हुई हैं, बट यकीन मानिए इसकी चारों टांगे फ्रैक्चर्ड हैं और अब ये बिल्कुल उसी तरह भागता है जैसे पहले भागता था। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया इसकी केयर से। काफ़ी टाइम तक मैंने इसकी केयर की है और अभी भी ये काफ़ी बार बीमार हो जाता है तो मैं ही इसकी केयर करता हूँ घर में। किसी को भी पता नहीं चला कि डेविल का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम किसी ने, बाहर वाले बंदे ने आके कहा कि आपका कुत्ता पड़ा है पीछे सड़क पे, उठा के ले आओ। एंड भैया जब इसको लेके आए तो इसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी, मेरे को उम्मीद नहीं थी बचेगा। तभी मैंने डॉक्टर को कॉल किया और इसकी इंजेक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट करवाया और 1 से 2 दिन तक पता भी नहीं चला हमें कि इसकी लातें फ्रैक्चर्ड हैं। जब इसको उठाया तब पता चला कि इसकी टांगें टूट चुकी हैं, तीनों टांगों में क्रैक था। यहाँ वाले डॉक्टर से तो कुछ हो नहीं पाया, तो उसके बाद फिर मैं इसको गंगानगर लेके गया, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चला कुछ दिन तक। इसका एक्सरे करवाया पहले तो, और इसकी कुछ रिपोर्ट्स करवा के फिर ट्रीटमेंट वहाँ से उन्होंने बताया कि क्या क्या ट्रीटमेंट इसको देना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट हुआ। इसको जो ज़्यादा इम्पैक्ट आया था ना वो इस वाली लेग पे आया था, यहाँ पे, यहाँ से ये बिल्कुल अलग हो गया था ये वाला जॉइंट। और ये वाली जो हड्डी है, ये जो पैर है ना इसका, यहाँ से ये जो हड्डी है यहाँ से बिल्कुल लटक चुकी थी, मतलब चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टर ने तो कहा इसको काटना ही पड़ेगा, बाकी देख लेते हैं अगर जुड़ा तो ठीक है। बट एक ये टांग यहाँ से टूटी, ये वाली यहाँ से टूटी और इस वाले लेग में भी फ्रैक्चर था इसके हल्का सा। तो ये तीनों टांगें इसकी उस टाइम टूट चुकी थी और यहाँ पे सर में इसको काफ़ी चोट आई थी। उसके बाद तो फिर मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी और लगने लगा था कि ये शायद ही रिकवर हो पाएगा, अगर होगा भी तो चल नहीं पाएगा सही तरीके से। बट अब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि टाइम लगा मेरे को, 6 महीने तक बिल्कुल भी चल नहीं पाता था इसको, मेरे को उठा के इधर उधर करना पड़ता था, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, बट जैसे तैसे करके मैंने इसे रिकवर कर लिया। उसके बाद 3-4 महीने तक बढ़िया, बिल्कुल सही रहा, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, अच्छे से खाने पीने लग गया। एंड फिर क्या हुआ, एक बार ये बाहर गया था तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे कुत्तों ने इसे घेर लिया, तो ये उनके साथ लड़ाई करके आ गया। तो जैसे ही घर पे आया तो इसके सर में बिल्कुल गहरी चोटें थी और कुत्तों ने इसे जगह जगह से काट खाया था, तो सर के अंदर क्या है, चोट की वजह से कीड़े पड़ने लग गए। मेडिकेशन वगैरह प्रॉपर मैं इसका करवाता था उस टाइम, बट फिर भी क्या है, सर के अंदर इसके कीड़े पड़ने लग गए। अभी तो यहाँ से ये रिकवर हो चुका है, बट ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ से कुत्ते ने इस तरीके से पकड़ा तो उसके दांत के अंदर गहराई तक चले गए थे। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मार्क पड़ा है अभी यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे 2-3 छेद हो चुके थे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। 3-4 महीने का टाइम लगा रिकवर होने में और उन 3-4 महीनों में इसको धूप के दर्शन भी नहीं करवाए, इसको पूरा डार्क रूम में रखते थे क्योंकि मक्खियाँ बैठती जैसे इसके ऊपर, वापस से इसमें कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते, तो बड़ी मुश्किल से इसको सही किया, 2 बार मर के बच गया। अभी ये बदमाश बैठा सुन रहा है कि मैं इसी की बातें कर रहा हूँ। और अभी अब जो ये दूसरे वाला इसके टांग में ये जो चोट देख रहे हैं वो भी एक फ्रैक्चर ही है, तो महाशय की 3 टांगों में फ्रैक्चर था, 1 बच गई, तो इसने सोचा उससे भी बिल्कुल उनके बराबरी कर लेता हूँ। इस बार भैया ये फिर से इसको घुमाने लेके गए थे और चेन डाल के पकड़ रखा था, कैसे तैसे छुड़वा के ये गाड़ी के अंदर जाके भिड़ा। गाड़ी तो देखते ही भाई साहब बिल्कुल उसके आगे जाके गिरता ही है, तो टायर के नीचे आ गई इसकी टांग और इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुई। बिल्कुल पास से नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे, ये यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है इसका, ये जो लेग है ये टूट गया था पूरा यहाँ से, और यहाँ पे जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं अंदर वो सारी निकल के बाहर आ गई थी। एक बार तो उन्हें देख कर मुझे खुद को ऐसे उल्टी आने का मन हुआ, इतनी मतलब घिनौनी तरीके से नाड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, और ये क्या करता था, उनको दांत से खींच खींच के बाहर निकालता था इतनी बुरी तरीके से। और उस बात को 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ये पैर इसका साइज़ देख लीजिए इस पंजे का, और एक इस पंजे का साइज़ देख लीजिए, इसमें सूजन है। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा टच करते हैं तो इसको यहाँ पे पेन होता है, यहाँ से टूटा हुआ है, ये हड्डी क्रैक हो गई थी यहाँ से और साथ में नाड़ियाँ भी निकल गई थी,
तो स्टिचेस आए थे इसको यहाँ पे। नाम इसका जो डेविल है वो इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल सूट करता है। डेविल, ये वाली आई इसकी बिल्कुल ब्लैक है यहाँ से, और ये वाली यहाँ से पिंक है। तो इसको, ये छोटा था ना, इसको भूत का बच्चा बोल के बुलाते थे। और उसके बाद ना ये जब रिकवर हो गया तो अब ना ये पूरी यहाँ तक मेरे छलांग लगाता है, मेरे सर तक। इसके चारों पैर हवा में होते हैं जब ये कूदता है। तो इसकी मैं क्लिप दिखाता हूँ आपको, तो उसमें देखोगे तो आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा। काफ़ी अच्छे से जंप लगाता है। एंड जिस खासियत की मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको 8 कुत्तों में से इसको सिलेक्ट करके घर पे रखा अपने लिए, वो ये है कि भाई साहब इसको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। एक बार इसको बोल दिया ना ये काम करना है तो इसने करना ही करना है, भले इसकी जान चली जाए। जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, डॉक्टर ने ना चमड़ी को काटा इसकी ब्लेड से, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता था उस टाइम, बिल्कुल भी इसको पेन तो फील ही नहीं होता। एंड इंजेक्शन वगैरह जैसे मर्जी लगाए रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार जैसे मैं सर की बात कर रहा था, सर में इसको चोट लगी हुई थी तो उसका ट्रीटमेंट मैं ही खुद ही करता था। इसमें दवाई वगैरह लगाना, इसको इंजेक्शन देना, वो सारा ट्रीटमेंट मैं ही करता था इसका। था गाइज हमारा आज का वीडियो, होप्स आपको काफी पसंद आया होगा। इन फ्यूचर भी इसी तरह की वीडियोस में लेके आता रहता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए RC17 ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।